हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ छोटे छोटे इंथाल्पी चेंजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आपको आता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? हम सब जानते हैं कि रेजोनेंस के कारण आपको रेजोनेंस होता है यहाँ, और रेजोनेंस के कारण ये दोनों आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं, और इन दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये दोनों ही हाइपोथेटिकल नेचर का होता है। जो ट्रू स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, वो स्ट्रक्चर आपका ये होता है। ये सब ऑलरेडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये आपको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ये कैसा होता है? हाइपोथेटिकल होता है, जिसका मतलब होता है कि ये आपको एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये आपको क्या होता है? ट्रू स्ट्रक्चर होता है। यानी कि ये आपको एग्जिस्ट करता है, मतलब हाइपोथेटिकल का मतलब डू नॉट एग्जिस्ट, और ये क्या करता है आपको? एग्जिस्ट। हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। रेजोनेंस एनर्जी एक स्टेबलाइजिंग एनर्जी होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस मौजूद हो तो वो मॉलिक्यूल एक गिवन वैल्यू से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? और इसी कारण से रेजोनेंस एनर्जी जो होता है वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात लिखा जाए, इट इज अ स्टेबिलाइजिंग एनर्जी एंड देयरफॉर इट इज ऑलवेज नेगेटिव। रेजोनेंस एनर्जी आपको ऑलवेज नेगेटिव होती है। होता क्या है ये होता क्या? तो डायग्राम से देखा जाए, ठीक है, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दिए जाए, अगर हमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको आर एस कर दीजिए, ठीक है, और इसको आर एच कर दीजिए। अगर हमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए, इन दोनों का एनर्जी आपस में बराबर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू, इन दोनों का एनर्जी आपस में बराबर, ठीक है? और हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका एनर्जी इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर का जो एनर्जी होता है वो हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होगा, तब ना वो स्टेबलाइज होगा। तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? रेजोनेंस एनर्जी। अगर आपको इन केस दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए जाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वन एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू, तो इन दोनों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां से हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी डिफरेंस देखा जाता है। तो मोस्ट स्टेबल ये है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहा जाता है इसको? इसी को कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहा जाता है इसको? रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है, ठीक है? तो रेजोनेंस एनर्जी का डिफिनीशन क्या हो जाए? रेजोनेंस एनर्जी का फिर डिफिनीशन क्या हो जाए? इट इज दी पोटेंशियल एनर्जी
स्पीक्स ऑफ दी रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इसीलिए एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस एनर्जी जब लिखा जाए तो लिखेंगे हम लोग डेल एच नॉट एफ एक्चुअल. एक्चुअल का तो ये एग्जिस्ट करता है, माइनस डेल एच नॉट एफ थियोरेटिकल. किसी भी चीज का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअल में क्या है, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थियोरेटिकल का क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं. ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है. ठीक है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं. जैसा कि कहा है कि एक रिएक्शन 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्शन करने पर आपको ये इसका फॉर्मेशन होगा. इसको N6 गैस भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 N6 गैस. ठीक है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ट्रूली नहीं भी हो सकता है. बाउंड एनर्जी हमें यहाँ दिया गया, ये क्या है, N ट्रिपल बाउंड है, इसका बाउंड एनर्जी दिया हुआ है. NN सिंगल बाउंड का भी दिया हुआ है, NN डबल बाउंड का भी दिया हुआ है, सारे बाउंड एनर्जी दिए हुए हैं. पूछा गया कि द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, अगर इसका रेजोनेंस एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज गिवन एंड इट इज इक्वल टू -140 किलो जूल पर मोल. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस. आप एक चीज देखिए, इसी को बनाना है, ये ऑलरेडी एलिमेंटल और स्टैंडर्ड स्टेट में. ठीक है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, इस रिएक्शन का डेल एच आर, तो इस रिएक्शन का डेल एच आर हम निकालते हैं. तो डेल एच ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा, तो इस रिएक्शन का डेल एच आर हो जाएगा 3 times बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड. बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट के साइड में एक और ऐसे ऐसे 3 मोल, इसलिए 3. प्रोडक्ट के साइड के 1 2 3 माइनस 3 times व्हाट बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, एन डबल बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, इनके वैल्यूज को आप कर दीजिए, 3 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन इट इज 940 माइनस 3 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन सिंगल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन इट इज 420 प्लस 170. इसी को आपको निकालना है. ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आएगा 942 माइनस 420 माइनस 170 इंटू 3 1056 आपको आता है. 1056 किलो जूल आपको आ रहा है. ठीक है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग माना. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है रेजोनेंस एनर्जी, क्या दिया हुआ है, रेजोनेंस एनर्जी. तो हम लोग जानते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, वी हैव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअल माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थियोरेटिकल इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस एनर्जी. ये हम लोग पढ़ें. ठीक है, वैल्यूज को पुट किया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअल
ठीक है, ये जो आपने निकाला ये कौन वाला निकाला, ये आपने थियोरेटिकल निकाला, ये आपने आपने थ्योरी से कैलकुलेट करके ना निकाला, आपने कैसे निकाला, आपने थ्योरी से कैलकुलेट करके निकाला है, इसलिए आपको थ्योरेटिकल रेंज में आएगा। तो इसलिए डेल एच नॉट एफ एक्चुअल क्या हो जाएगा, ठीक है, डेल एच नॉट रेजोनेंस एनर्जी प्लस डेल एच नॉट एफ थ्योरेटिकल रेंज आपको आएगा। रेजोनेंस एनर्जी कितना है, माइनस 140 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल कितना है, ये आपको आया है 1056 किलो जूल पर, ठीक है, माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 619 प्लस साइन किलो जूल कितना आ जाएगा 960 किलो जूल पर मोल आपको यहाँ से आएगा, ठीक है। इस तरीके से रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग चाहे तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब अगर कोई मुश्किल केस हमें दे दिया जाए तो हम इसको कैसे समझ के निकाल सकते हैं, अगर कोई मुश्किल केस दे दिया जाए मिला जुला हो तो हम कैसे करें। एक चीज देखिए, जैसे कोई भी बॉन्ड होता है, ठीक है, ये बॉन्ड को जब हम तोड़ते हैं तो आपको एक्स गैस एंड एक्स गैस एनर्जी मिलती है। इस केस में एनर्जी जो आप देते हो वो बॉन्ड एनर्जी के बराबर, इसके बराबर होता है बॉन्ड एनर्जी के बराबर होता है, जिसको आप डेल एच बॉन्ड बी भी, ठीक है, ये तब है जब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपको नहीं है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जब नहीं है तो केवल इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपने दिया और एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट आगे चला गया। या इसको उल्टा सोचिए कि अगर आप ये दोनों गैसेस एटम जब इनफिनिटी पर हो, इन दोनों को आप जब ऐड करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इन दैट केस दिस बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इधर देने पर इतना वैल्यू आपको एनर्जी देना पड़ता है और यहां से वापस आने पर इतना ही वैल्यू आपको एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। चलिए अगर मान लो कि इस बॉन्ड में कुछ रेजोनेंस था, ये स्टार लगा दिए हैं दिखाने के लिए कि ये रेजोनेंस वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो जब ये रेजोनेंस वाला बॉन्ड है तो इसमें तो कुछ स्टेबलाइजेशन एक्स्ट्रा आ चुका होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सोचो, ठीक है, कि यहां से जब यहां इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, तो इन दोनों को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स गैस थ्योरेटिकली बनेगा और इस केस में आपको बॉन्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी एसोसिएट, कोई दिक्कत। लेकिन अभी यहां रेजोनेंस नहीं है, जब इसमें रेजोनेंस को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, यहां देखिए एक्स एक्स गैस जब आपस में कंबाइन करके एक्स टू गैस बनाया है तो बॉन्ड एनर्जी के बराबर आपको एनर्जी रिलीज होगा, बॉन्ड एनर्जी के बराबर आपको एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए बॉन्ड एनर्जी वैल्यू हो गया और माइनस साइन माइनस को पहले रिलीज को दिखाने के लिए ले लिया। जब इसमें रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी के पहले मैं माइनस साइन लगा दूंगा। बात सुनिए, समझिए कि जब दो आइटम आपस में कंबाइन होते हैं तो बॉन्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज हुआ, यहां पर मैंने माइनस साइन लिखा दिया, ठीक है। अब अगर ये फर्दर रेजोनेंस अगर चला जाए कूलिंग तो रेजोनेंस एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज हो चुका रहेगा, इसलिए मैंने रेजोनेंस एनर्जी और माइनस साइन के साथ दिखाया। ये यहां से आए तब जब यहां से जाएंगे तो इतना ही मैग्नीट्यूड का एनर्जी हमें देना पड़ेगा लेकिन पॉजिटिव, तो यहां से यहां डायरेक्टली जाएंगे तो आपको बॉन्ड एनर्जी प्लस रेजोनेंस एनर्जी के बराबर आपको एनर्जी देना पड़ेगा। यहां से जब यहां जाएंगे तो पहले रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है उसका एनर्जी दीजिएगा, फिर बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी आपको देना होगा, तब जाकर के आपको ये गैसी सेटलमेंट करना होगा। तो बॉन्ड एनर्जी के जैसा ही ये आपको चलेगा।
ठीक है। तो जब हमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि a प्लस बी कंबाइन करके c प्लस डी दे रहा है, ठीक है, और मान लो इनमें से कोई भी एक तो स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अपने लिए मान लेते हैं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो डेल एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अगर बाउंड एनर्जी के टर्म में देखें तो क्या होता है इसका, सिग्मा डेल एच बाउंड एनर्जी जो फॉर्मूला होता है ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा डेल एच बाउंड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होता है कि नहीं होता है? तो इसी चीज को जब हम रेजोनेंस एनर्जी को शामिल करके ले तो बॉन्ड एनर्जी के वैल्यू के जैसा ही रेजोनेंस एनर्जी भी आएगा, तो जो जो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वहां पर बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू पुट करने वक्त रेजोनेंस एनर्जी को भी आप पुट कर दीजिए, ठीक है, चलिए नोट किया जाए। तो डेल एच बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, तो पहले ए का लिखिए, तो ए तो रेजोनेंस वाला है, तो लिखिए हम लोग क्या लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी प्लस रेजोनेंस एनर्जी, जितना भी ए का एसोसिएटेड होगा ए से वो लिख दीजिए, बी में रेजोनेंस नहीं है, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी केवल बी का माइनस, ठीक है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है तो बॉन्ड एंथैल्पी जो तो भी बॉन्ड बना हुआ होगा सी का, इसमें रेजोनेंस भी है इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी प्लस रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, किसका, डी का। जहां जहां रेजोनेंस हो वहां पर आपको रेजोनेंस एनर्जी लिख देना होगा और जहां जहां पर केवल बॉन्ड एनर्जी वहां आपको खाली बॉन्ड एनर्जी लिख देना होगा। तो मिसलेनियस जब केसेस होंगे तो इसको यूज करके आप चाहें तो न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए बहुत बढ़िया से, ठीक है, ठीक है। कुछ और नए टर्म सीखते हैं, जैसे टर्म सीखना होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है कि जब एक मोल किसी भी केमिकल सब्सटेंस को जो सॉलिड स्टेट में है उसको अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो जो भी एक्वस कंडीशन में घुलने के बाद एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है, उसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज द एंथैल्पी चेंज वेयर वन मोल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इज डिजोल्व्ड इन एक्सेस वाटर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। चलिए क्या समझ सकते हैं, कोई सॉल्यूट है ये सॉलिड में, इसको वाटर में घोल दीजिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्वस हो जाए, जैसे NaCl सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म, इसको वाटर में घोल दीजिए NaCl एक्वस हो जाए, H2SO4 मान लो सॉलिड, इसको वाटर में घोल दीजिए H2SO4 एक्वस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको H2SO4 एक्वस हो जाएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, H2SO4 रूट टेम्परेचर पर लिक्विड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सॉल्ट है, ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में आया, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद ये आपको हाइड्रेट वाटर बन गया, ठीक है, तो इसी को हम लोग एक मोल केमिकल सब्सटेंस जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये क्या आपका एनहाइड्रस सॉल्ट। इतना ही नहीं, अगर कोई सॉल्ट अगर कोई सॉल्ट
जिसके पास H2O पहले से लगा हुआ हो, अगर ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल को फिर से लेता है और A B डॉट एक्सिडाइज H2O बना लेता है, जहां पर एक्सिडाइज आपको X से हो, तो इसको भी हम लोग एंथैल्पी में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो व्हेन वन मोल ऑफ एनहाइड्रस, ये है एनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड, ये देखिए पार्शियली हाइड्रेटेड salt combined with the present amount of water, ठीक है, to form a newly hydrated salt. ये hydrated salt कौन सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, hydration energy कहते हैं, enthalpy of hydration कहा जाता है इसको, ठीक है। हाँ, तो एक question इसको देख सकते हैं, enthalpy जब solution हम लोग पढ़े, कहीं कहीं इसी में integral करके लगा दिया होता है। इंटीग्रल लगा देने का मतलब होता है कि जितना मैक्सिमम वाटर में आप उसको डिजोल्व कर सकते हैं कर दीजिए, तो ये तो वही हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में जब उसको डिजोल्व करते हैं तो फिर ये हो, तो इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ही लेकर के चलते हैं। लिखा है कि जब कॉपर सल्फेट सॉलिड को एक्सेस वाटर से कंबाइन, तो COSO4 एकोस बनेगा, और इन दैट केस एनर्जी रिलीज्ड कितना है, -69 किलो जूल मॉल मोल। इसी तरीके से अगर आप कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड को अगर एक्सेस H2O में डिजोल्व करते हैं तो भी आपको फिर से कॉपर सल्फेट एको से बनेगा। डेलिच आर इस प्रोसेस का क्वेश्चन में दिया हुआ, इट इज प्लस 10 किलो जूल पर मोल, यही हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ, पूछा गया है कि इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी कि ये सीधा है, ठीक है, और ये उलट दे तो वही आ जाए, तो इसको उलट दीजिए इसी, तो लिखेंगे COSO4 एक्वस जाएगा डॉट 5H2O सॉलिड प्लस एक्सेस वाटर। जब रिएक्शन को हम उलट दिए हैं तो डेल एच आर भी आपका प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब इसी को उलट दिए तो डेल एच आर जो देना पड़ रहा था वो रिलीज हो, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इसको 1 मान और इसको 2 मान और लिख दीजिए एडिंग 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे तो ये आपको यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है, एक्सेस वाटर भी आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको केवल यहां COSO4 सॉलिड, ठीक है, प्लस 5H2O COSO4 डॉट 5H2O सॉलिड। ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में से 5 मॉल को ले लिया है, ठीक है, एंड डेलिच आर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो -69 किलो जूल पर मोल आपको आया, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को कुछ इस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। हमें कुछ सीखना है, एक टर्म जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल एच, ठीक है, एक और किसी भी सब्सटेंस को जो सॉलिड में, इसको इतना एंथैल्पी चेंज करिए कि ये आपको डायरेक्टली वेपर में करना पड़ जाए। इसमें जो एंथैल्पी चेंजेज होते हैं डेली चार, इसी को एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे
H2O सॉलिड जो आइस होता है, H2O गैस में कन्वर्ट कर दीजिए, इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के नाम से जानोगे। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सोडियम सॉलिड, इसको सोडियम गैस में कन्वर्ट कर, ध्यान रहे ये एक मान लीजिए, इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा इसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है। खाली ध्यान रहे एक मोल सब्सटेंस का लिया जाता है, अगर 10 मोल रहेगा तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं जवाब। एक और टर्म आपको आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऑफ एटमाइजेशन डेल एच एटम करके आपको मिल जाएगा। इसका मतलब होता है कि एक मोल किसी भी केमिकल सब्सटेंस का एक मोल गैस में कन्वर्ट करना या बनाना एटम को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। जैसे H2 गैस है, अगर इसके हाफ मोल, अगर इसके हाफ मोल आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए एक्स गैस में कन्वर्ट कर, तो ऐसा करने में जो एंथैल्पी चेंज होगा इसी को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ये दे दिया जाए Na सॉलिड Na गैस में ले, एक मोल इसका ले लीजिए, ठीक है। इसका जो डेलिच आर होता है, एक मोल आइटम आपको बनाए, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, ठीक है। लेकिन ये इससे मिलता जुलता है, इसीलिए इसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी आपको कहा, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इसको कहा जाता है। अब हम लोग को सीखना है बॉर्न-हेवर साइकिल। बॉर्न-हेवर साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किसी आयोनिक कंपाउंड के लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये असल में जो बॉर्न-हेवर साइकिल होता है वो हेस लॉ के कांस्टेंट हीट समेशन थ्योरी का यूज करता है, ठीक है। तो इसको यूज करके लैटिस एनर्जी का वैल्यू इनडायरेक्टली कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी का वैल्यू डायरेक्टली कभी नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, ठीक है। चलिए हम लोग एक बहुत सिंपल फॉर्म लेकर इसको कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारा Na सॉलिड है, हाफ Cl गैस से कंबाइन करके NaCl सॉलिड देता है, हमें इस रिएक्शन का डेल एच आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिससे हमें लैटिस एनर्जी भी मिल जाए। तो स्टेट वाइज सब चीज को देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए आपको पहले इसको आयन में कन्वर्ट करना होगा। आयन में सॉलिड को नहीं कन्वर्ट किया जाता, गैसियस एटम को आयनाइजेशन एनर्जी देकर के आयन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमें पहले इसको डेल एच एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देना होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट। इसके बाद डेल एच आयनाइजेशन एनर्जी, पहला जो सोडियम का है वो आप इसको दे दीजिएगा, क्या बन जाएगा? Na प्लस इन गैसेस स्टेट में आपको बन जाएगा, ठीक है। ब्रो ये क्लोरीन है, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में होता है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको पहले एटम में कन्वर्ट करिए, तो डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको देगा। लेकिन ध्यान दें, हाफ मोल है
इसलिए हाफ से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्या हो जाएगा, Cl गैसियस एटम मिल जाएंगे वहां पर। इसके बाद आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए इसको अनायन में कन्वर्ट करना होगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा। इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो Cl- गैस बन जाए, और इस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ क्लोरीन गैसियस एटम। इन्हीं दोनों का इन्फिनिटी से जब कंबाइन करते हैं तो ठीक है, डेल एच लैटिस एनर्जी यहां पर इन्वॉल्व। लैटिस एनर्जी कहा जाता है इसको, इसको क्या कहा जाए, माइनस लैटिस एनर्जी। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। हेस लॉ से क्या होगा, यहां से यहां आने का एनर्जी डेल एच और होगा, जिसको डेल एच नॉट एफ भी कह सकते हैं, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट हो रहा है। तो हम इसका लिख सकते हैं डेल एच नॉट एफ इज इक्वल टू, इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, डेल एच इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल एच आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ सोडियम, प्लस हाफ डेल एच बॉन्ड एनर्जी, प्लस डेल एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फोर्स, माइनस डेल एच लैटिस एनर्जी। ठीक है, आपको क्या होगा, अगर इन सभी का वैल्यू आपको मालूम हो, इन सभी का वैल्यूज आपको मालूम हो, इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, या अगर क्वेश्चन इन सबका वैल्यू दे दिया जाए तो इसका वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। कोई एक एग्जाम्पल करके देखते हैं यहाँ पर, जैसे इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें हमें कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन ऑफ सॉलिड टू गैसियस आयंस ये आप निकालो, जानते हैं इसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी। इसी का डेफिनेशन ये वन मोल आयनिक क्रिस्टल को उसका कॉन्स्टिट्यूएंटिव गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने में जो एंथैल्पी एसोसिएटेड होता है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, दिस ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब बाकी डेटा भी आपको दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, सब्लिमेशन दिया है, वगैरह वगैरह सब। हम इसका बोर मेहमर साइकिल बनाते हैं, क्या लिखेंगे, के सॉलिड हाफ बी आर टू लिक्विड देगा के बी आर सॉलिड आपको दे दिया। इसको पहले एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देना होगा, गैस में चला जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी देना होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा के प्लस गैस। इसको पहले हाफ है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देना होगा, बी आर टू लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड से सॉरी गैस में कन्वर्ट। इसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना होगा, तो ये आपको ब्रोमीन गैसेस एटम देगा, इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाना होगा, डेल एच ईजी आपको देना होगा। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो लैटिस एंथैल्पी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसका वैल्यू जब पुट करने जाएंगे तो डेल एच नॉट एफ क्या हो जाएगा, डेल एच नॉट एफ सारा नॉट ही है, इज इक्वल टू डेल एच नॉट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल एच नॉट या आयनाइजेशन एंथैल्पी, प्लस हाफ इंटू डेल एच एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, प्लस हाफ इंटू डेल एच बॉन्ड एंथैल्पी, प्लस डेल एच ई जी माइनस डेल एच लैटिस एंथैल्पी। इसको इधर कर दीजिए या वैल्यू निकाल लीजिए सीधे सब तरह की, डेल एच नॉट एफ कितना दिया है क्वेश्चन में,
-394 दिया है, इज इक्वल टू, देन इट्स नॉट ए सबलिमेशन, सबलिमेशन आपको यहां 89 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी दिया है 425। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हाफ लिखना होगा, हाफ ऑफ 41 किलो जूल पर प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी 193 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -330 डेल एच लैटिस एनर्जी, यही आपको निकालना है। यहां से डेल एच लैटिस एनर्जी का वैल्यू मैं तो डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं आपको, क्या हो जाए इसको इधर ले आना तो हो जाएगा 89 प्लस 425 प्लस 41/3 प्लस 193/2 माइनस 331 प्लस ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 394, इट इज 683.8 किलो जूल पर मोल, कितना हो जाएगा आपको 683.3 किलो जूल पर मोल आपको यहाँ से आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लैटिस एंथैल्पी को भी यूज करना सीखेंगे, इसको यूज करना सीखे, लैटिस एंथैल्पी को भी यूज करना सीखे, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसको, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिफाइन किया गया है कि व्हेन, सॉरी, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन इक्विवेलेंट, जिसको ग्राम इक्विवेलेंट टेक्निकली कहा जाता है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड कंप्लीटली कंबाइन विद वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि वन ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग वन इक्विवेलेंट कहते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द बेस ये आपस में कंबाइन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस लें तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस कंडीशन, दे एग्जिस्ट एच एच प्लस और ए माइनस, एच प्लस ए माइनस और बी प्लस ओ एच माइनस इन एक्वस कंडीशन, एंड देयरफॉर इफ वी कंसीडर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस वी हैव टू कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन एच प्लस एक्वस एंड ओ एच माइनस एक्वस ओनली, एंड द एनर्जी रिलीज इन दैट केस इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एच प्लस एंड विद ओ एच माइनस आयन, ठीक है। इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड उस केस में क्या होता है कि एक्चुअल में जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस आयन विद वन इक्विवेलेंट ऑफ ओ एच माइनस। इफ वन ऑफ द एसिड और बेस और बोथ ऑफ द एसिड और बेस आर वीक, अगर दोनों एसिड या बेस में से कोई एक या दोनों को दोनों वीक हो तो वीक एसिड और वीक बेसिस जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं कुछ कंडीशन में, और इसीलिए जब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो वैसे मॉलिक्यूल का एच प्लस और ओ एच माइनस फ्री नहीं होता है। तो ऐसे एसिड और बेस को रिएक्शन ले जाने के लिए पहले अनडिसोसिएटेड एसिड और बेस को हमें डिसोसिएट करना होगा, एंड for that dissociation we require energy, and therefore if one weak acid or a weak base combine in neutralization reaction then the energy released is lesser than this one because
because a part of released energy is utilized to break, to ionize the weak acid or the weak base taken. और इसीलिए आपको जब भी वीक एसिड या वीक बेस इन सब का न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज 57 किलो जूल पर से कम होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इफ एनी ऑफ द एसिड और बेस और बोथ इज आर वीक वेयर आयनाइजेशन इज नॉट कंप्लीट हीट इवॉल्वड इज लेस देन 57 किलो जूल पर मोल एज दिस एज some amount of energy is utilized to ionize the weak acid or weak base. किसमें इस्तेमाल हो जाता है? To break the weak acid or weak base. ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई एसिड पानी में घुला हुआ है और कोई बेस, वीक एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, इनका आपस में कॉम्बिनेशन हुआ तो आपको बना Ba सॉल्ट बन गया और H2O लिक्विड आपको बन गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसको एनर्जी देना होगा, आयनाइजेशन करना होगा। अगर ये वीक एसिड है तो आयनाइजेशन के लिए आपको एनर्जी देना होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वीक एसिड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H plus aqueous and A minus aqueous. Similarly, ये अगर weak acid हुआ तो del H naught ionization of BOH base को energy देगा, और वैसे केस में ये बन जाएगा B plus aqueous and OH minus aqueous बन जाएगा। इन्हीं को जब हम आपस में combine करते हैं तो ये A प्लस और B माइनस आपको B प्लस और A माइनस करके सॉल्ट बना देता है, और H प्लस और OH माइनस असल में आपको ये दोनों तो इसी फॉर्म में है, क्रॉस कंडीशन में है, लेकिन ये दोनों कंबाइन करके लिक्विड बन गया। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग लिखते हैं डेल H न्यूट्रलाइजेशन, किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां से जब आप यहां गए एसिड ऑलरेडी आयनाइज हो चुका है, यहां से जब आप यहां गए तो बेस ऑलरेडी आपको आयनाइज हो चुका है, तो यहां से यहां तक केवल क्या है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका वैल्यू फिक्स होता है -57 किलो जूल पर मोल। यहां से यहां तक जाते हैं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, therefore enthalpy of reaction is del H not ionization of HA, del H not ionization of base nitrogen 57 kilo joule per mole। कोई भी weak acid है, अगर आपको ये weak acid है और ये strong base है, इसको zero put कर दीजिए। ये अगर वीक बेस रहे और ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहे, जो स्ट्रॉन्ग रहे उसको जीरो पुट कर दें। आप इस तरह से लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और ये है वीक बेस। तो लिखा है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में दिया है कि -57, तो डेल इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन में दिया है, यह है -57 किलो जूल पर मोल। तो पूछा गया है कि HCl का रिएक्शन जब NH4OH से होता है तो यह दे दिया है, तो इसको भी लिख लेते हैं। HCl aqueous and NH4OH aqueous क्या देगा आपको? NH4Cl aqueous देगा और H2O देगा। ये strong acid है और ये weak base, तो ionization energy केवल इसका होगा, इसीलिए इसका del H not R का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ionization नहीं होगा, केवल इसका होगा।
डेल एच नॉट आयनाइजेशन ऑफ बेस जो सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड माइनस 57 किलो जूल पर मोल, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 57 इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर डेल एच नॉट आयनाइजेशन ऑफ बेस क्या हो जाए, ये क्या है बेस का आयनाइजेशन, डेल एच नॉट आयनाइजेशन ऑफ बेस में कम क्या हो जाएगा, डेल एच नॉट ऑफ प्लस 57 किलो जूल पर मोल। डेल एच नॉट आर क्या है क्वेश्चन का, ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ माइनस 51 प्लस 57 यानी कि 6 किलो जूल पर मोल, 6 किलो जूल पर मोल आपका इस रिएक्शन का डेल एच आर वैल्यू दिया हुआ 51 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है।